कितना अच्छा लगता है बैठे हुए लोग, और अब ये माइक में ब्लैक मास्टर के जन्मदाता आपने तो कमाल कर दिया जो बोला है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। वकील है ना, कुछ तो बोलोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ पे देख के। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभय जी आइए। अभय जी को पब्लिशर है मैगजीन के, आशीष इज द सीईओ फॉर ब्लॉकबस्टर मैगजीन, ही इज हैंडलिंग एवरीथिंग। राहुल अग्रवाल बिहार इज माई सन एंड इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देन गर्ल साहब, मिस्टर गर्ल कंपनी के डायरेक्टर हैं और मेरी साहब है, और मेरे साथ शुरू से आज से कोई 35 साल से इस बिजनेस वी आर वर्किंग टुगेदर। आज ये मैगजीन पॉसिबल नहीं हो सकती थी अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होता। इस मैगजीन का आज 5वां अंक है, इज द 5th इशू, और 5वें इशू के अंदर 4000 कॉपी इस मैगजीन की समय छप रही है, और कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि हर जगह जाए एंड एवरी बॉडी शुड गेट इट, चाहे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, अगर उनको मिलेगा तभी उन लोगों को फिल्म के बारे में सब चीजों का पता लगेगा। डेफिनेटली ये मैगजीन दूसरी मैगजीनों से बहुत अलग है, क्योंकि इसके अंदर आपको रीडिंग मटेरियल इतना है कि अगर आप उससे इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के अंदर इसको आनंद आएगा, आपको फिल्म एंजॉय रीडिंग। बेसिकली इस मैगजीन को मैं 6 महीने के अंदर स्टार एंड स्टाइल उस शेप में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि 6 महीने या 1 साल के अंदर इसकी कम से कम 1 लाख कॉपी होनी चाहिए। मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर किसी दूसरी मैगजीन से कोई कंपटीशन नहीं है, हर मैगजीन की अपनी जगह है, पर डेफिनेटली एक ऐसी मैगजीन होनी चाहिए पब्लिक के पास भी, ताकि उनको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के बारे में, बाहर के बारे में, क्या पिक्चर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रोड्यूसर लोग कर रहे हैं, क्या डायरेक्टर्स लोग कर रहे हैं, कैसे स्टोरी आ चल रही है, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और जो और चीज हम लोग करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको सारे जो एग्रीमेंट्स आप लोग करते हैं, प्रोड्यूसर एग्रीमेंट करते हैं डायरेक्टर के साथ, हीरो के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उनकी सबकी कॉपीज इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि आज कॉपीराइट एक्ट बहुत स्ट्रांग आ गया, और मैं चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर्स कॉपीराइट एक्ट के अंदर बहुत बच के रहे, कहीं आप कोई भी गाना किसी भी पिक्चर में लेके डाल देंगे तो आपने गाना डाल दिया, पता लगा म्यूजिक कंपनी और म्यूजिक डायरेक्टर आपसे 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी 1 दो पिक्चर में भी हुआ है, उस चीज से प्लीज बचिए। और मैंने अपने एडिटर से यही रिक्वेस्ट किया कि अगर आप फिल्म की रेटिंग देते हैं तो उसके अंदर यह मत देखिए टीपे दुलाल की पिक्चर है या महेश भट्ट की पिक्चर है या छोटे प्रोड्यूसर या बड़े प्रोड्यूसर भी है, आप रेटिंग वो दीजिए जो आपके हिसाब से सही है। कभी ये मत सोचिए कि टीपे दुलाल पब्लिशर है, मैगजीन आप देखेंगे आपको टीपे दुलाल की फोटो सिर्फ एक ही नजर आएगी, ज्यादा नजर नहीं आएगी, क्योंकि एवरीवन मेड दिस मैगजीन फॉर मी, आई मेड दिस मैगजीन फॉर एवरीवन, दिस इज माय बेसिक आइडिया। और इस मैगजीन के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी गलती होगी, अगर आपको जो बहुत सारी गलती को नजर रखते हैं तो आप जो नजर अंदाज कर दिए भूल जाएंगे, और मुझे माफ करना उसके लिए। और कोई चीज आप लोग चाहते हैं और कुछ नया आए तो प्लीज लेट मी नो, कुछ भी चीज इसके अंदर आप लोग चेंज चाहते हैं, क्योंकि अभी नई मैगजीन है, हम लोग भी इसके अंदर बच्चे हैं, और भावना जी भी एडिटर हैं और बहुत बड़ी एडिटर हैं, पर फिर भी मैगजीन उनके लिए और खेल के लिए उनके लिए नहीं है। सो कोई भी आपको कोई कमी नजर आती है प्लीज एक्सक्यूज अस, एंड आई होप आप जब भी
आए हुए यहाँ पर जाने से पहले मेडिसिन जरूर ले लें और वहाँ पर अपना नाम एड्रेस ईमेल एड्रेस जरूर लिखवा ले जाएं ताकि हम लोगों को आपको मेडिसिन भेजने में ईजी हो, क्योंकि अभी कई बार मेडिसिन जा रही है कई जगह नहीं। Okay.